worth watch. You should go and watch it. Yeah, roll it. Well, आपने दृश्यम मूवी देखी? Yeah, yeah, absolutely. It was बहुत अच्छी. We loved it. What was the best part in this movie? The entire movie was the best part, to be very honest. And Ajay Devgan was amazing. His acting is amazing. You will love it. He has acted through his eyes. I mean, yeah. किसी एक इंसान का रोल जो आपको बहुत पसंद आया हो? अजय देवगन. Any good day. He killed it on screen. Well, out of 5, how many stars? 5. Thank you. Yeah, definitely. हाँ, दृश्य मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी. जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं पहले की मूवी की तरह कि सीज़न जो वन, उसका पार्ट वन जो था, कुछ वैसे ही होगा. बट ये उससे भी खतरनाक थी. और कहते हैं ना कि फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं. वो इस फिल्म में दिखाया गया, जैसे कि पार्ट वन में था, वो इस बार भी फिल्म में दिखाया गया. मैंने बहुत इन्जॉय किया फिल्म को. और आई होप कि इसका पार्ट 3 भी बने. ऑलमोस्ट सभी का काम अच्छा था. अजय सर का काम ऑलमोस्ट हैट्स ऑफ ही था और हमेशा रहेगा. एक्चुअली मैं म्यूज़िक से ज़्यादा मैं कहानी से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा था. और म्यूज़िक पे तो ध्यान नहीं दे पाया मैं, बट कहानी से बहुत अच्छा कनेक्ट हो गया. और कहानी कहीं भी लूज़ नहीं कर पाई. और अक्षय खन्ना की एंट्री बिल्कुल लाजवाब थी. और एंड तक बांध के रखा, मतलब वो तो हैट्स ऑफ है ही हैट्स ऑफ है उनको. 5 to 5. दृश्य मूवी आपने देखी, बिल्कुल काफ़ी अच्छी लगी. फर्स्ट पार्ट का जो लीगेसी है उसको कंटिन्यू करती है. किसका किरदार बहुत ज़्यादा आपको? ऑफ कोर्स अजय देवगन और अक्षय खन्ना. रिजॉल्व करती है फर्स्ट पार्ट का जो आपका एक वो रह जाता है कि इसके आगे की क्या कहानी है, उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करती है. म्यूजिक बिल्कुल बांध के रखता है और काफ़ी थ्रिलिंग है. 3.5. बहुत अच्छी, मस्त थी एंडिंग. मीन्स अनएक्सपेक्टेबल था कि ऐसा भी हो सकता है. क्या दिमाग है, वाह, जिसने भी लिखा है. वेल, पार्ट वन से पार्ट टू कितना रिलेट कर रहा है? पार्ट वन तो अच्छी थी ही, बट पार्ट टू इज लाइक सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ कोई कर सकता है. कि पहले उसने पूरा प्री प्लान करके रखा था. मस्त था, बहुत अच्छा था. वेल, सबसे अच्छा किरदार किसका लगा है आपको? नो डाउट अजय देवगन. म्यूजिक सुपर्ब था, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी, बट उसको ऊपर जो उठा के लाया वो म्यूजिक था. मेन म्यूजिक बहुत अच्छा था. सभी को क्या कहना चाहेंगे, ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए विद फैमिली. लाइक फैमिली को कितना इम्पोर्टेंस देता है. वाओ. 4. यार सीरियसली बहुत मज़ा आ गया देख के. मतलब ऐसा प्लॉटिंग जिस तरह से उन्होंने दिया है ना, स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग, काफ़ी मज़ा आ गया. तमिल में देखा था मैंने, पहले भी देखा था, बहुत पहले ही देख लिया था, बट हिंदी वर्जन नेक्स्ट लेवल था. क्योंकि अजय सर की एक्टिंग और अक्षय खन्ना की एक्टिंग, सबका एक्टिंग कंबाइन करेंगे ना, बहुत प्यारा स्क्रिप्टिंग किया हुआ है और स्टोरी बनाया है. अगर आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करना चाहते हो कि लाइफ को कैसे जीते हैं, अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो आप इस मूवी को देख के समझ सकते हो कि एक कॉमन मैन कैसे अपनी लाइफ जीता है एंड कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स फैमिली को बचाता है. एग्जैक्टली, फैमिली को पूरा कैसे सपोर्ट करना है वो पूरा का पूरा आइडिया में इस मूवी दिखाता है. एंड लिटरली मैं बोलूँगा कि सबको जाके देखना चाहिए, क्योंकि ये हमें पूरा डायरेक्शन देता है लाइक कैसे लाइफ को सर्वाइव करना चाहिए और कॉमन मैन को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. ऐसा है. अच्छा कैरेक्टर किसका पसंद है? सबसे अच्छा ऑब्वियसली उनका ही है. देन आफ्टर दैट आंखों में जादू है एक्चुअली. हां, एग्जैक्टली इन हिज एक्टिंग इज ब्रिलियंट, लिटरली ब्रिलियंट. अगर देखा जाए ना तो बहुत इंस्पायर हो सकते हैं उनको देख के. ऐसा वेल, म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव है? बहुत. इतना तो खास बीजीएम नहीं है, बहुत अच्छा था बीजीएम जिस तरह से. बट द थिंग इज दैट कि जो म्यूजिक दिया हुआ है ना वो कैसा फैमिली टाइप म्यूजिक दिया हुआ है, तो अगर हम सुनेंगे तो बहुत सूदिंग भी लगता है. क्रेडिट्स में जो रैपिंग दिया वो मेरे को अच्छा लगा. और बीजीएम मूवीज का बहुत अच्छा था. वेल, लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए. ऑब्वियसली देखनी चाहिए. मैं तो रिकमेंड करूंगा, प्लीज आके देखो. हमने तो फर्स्ट आउट ऑफ 10 आके आप लोग देखो, लिटरली देखना चाहिए. एंड पूरे फैमिली को, छोटे से बच्चे को भी ले गया. ऐसा नहीं कि बच्चा है नहीं लेके जाना चाहिए, वो उतना मैच्योर होगा कि उसको समझेगा कि हमारे लाइफ में क्या क्या होता है. आउट ऑफ 5 विल गिव 5. थैंक यू. थैंक यू. आपने मूवी देखी, कितनी पसंद आई? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे. द बेस्ट पार्ट इज लाइक द मूवी इटसेल्फ, यू नो. बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी दृश्यम 2 को लेकर. और मतलब मेरा ऑलरेडी रात का शो भी प्लान्ड है, बट मैं वेट ही नहीं कर पाता. मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो आ गया अकेला, तो बहुत अच्छी थी. सबसे अच्छा किरदार किसका लगा?
सबसे अच्छा किरदार अजय देवगन, वो मतलब पूरा शो स्टील कर देता है। एज वेल एज लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि आखिर कौन है, आखिर मालूम पड़ा है या नहीं, क्या कहना चाहोगे, कितना उन लोगों को एक्साइटेड होना है जो लोगों ने नहीं देखा? बहुत बहुत, मतलब ऐसा लगेगा आपको एक पल के लिए कि अब यू नो ये लोग दे आर दे अरेस्टेड एंड स्टॉप, बट देन अगेन एक और ट्विस्ट आएगा और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो म्यूजिक की अगर बात करें तो म्यूजिक कितना अट्रैक्टिव है? बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बहुत कैची है, मतलब आपको पूरा टाइम वो बांध के रखता है, बट कहीं ना कहीं सॉन्ग उसमें दो सॉन्ग्स है तो वो सॉन्ग इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट एट द एंड मूवी इट डज मैटर, तो सॉन्ग मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। डायरेक्शन बहुत बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्प है, लाइक एडिटिंग भी बहुत अच्छी है। It was very nice seeing the overall movie. So I got to learn many things from the movie. So it was worth watching. Yeah. Well, सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा अपने मूवी? अजय देवगन. Yeah. He was the best. What was the best part in this movie? Like I loved the whole movie. So I can't say the specific best part about this movie. What about music? How attractive it was? It was like very nice, yeah. So I enjoyed the movie. Yeah. Direction की बात की जाए, the whole movie as you said you liked the movie. Yeah. Direction. Direction was like according to me, I am from VFX background. So for direction, I can't tell anything like the direction part is bad or nice. So for me, the movie was worth watching, but yeah, fine. Out of 5, how many stars? Out of 5, I can give 4. Yeah. Thank you. Well, Drishyam 2, आपने देखी, आपको movie कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी, जो मतलब expectations लेके गए थे, ये movie पूरी expectations पर मतलब खरी उतरी है, अच्छा लगा देखकर। सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? अजय देवगन सर का, क्योंकि उनकी आंखें बोलती है, इतनी नशीली आंखें तो पहली बार मैं बोलूं। और मैंने फर्स्ट मूवी जो 2015 में आई थी वो देखी थी, उस मूवी का इम्पैक्ट आज तक लोग 2 अक्टूबर को नहीं भूल पाए हैं, तो इस मूवी में भी मुझे वो देखने मिला तो वो अच्छा लगा मुझे। साथ ही इसमें और भी कई किरदार हैं, सभी के काम कैसे लगे? अक्षय खन्ना, उनकी तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखे हैं, ही प्लेज़ वेरी वेल, तो इस मूवी में उन्होंने वो उनको मैं जज नहीं करूँगी, उन्होंने बहुत जस्टिफाई करा है। व्हाट अबाउट म्यूजिक? बैकग्राउंड स्कोर बहुत, जहाँ जहाँ पर जहाँ ट्विस्ट आते हैं, स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन, वो पूरा ओवरऑल क्लाइमैक्स सीन इतना बढ़िया है, गजब है, कि आप सोचते रह जाओगे कि अरे यार ये तो नहीं सोचा था हमने, बट वो देखने मिला, वी वर लाइक एंग्रोस्ड एंड तक। बस थोड़ा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा मुझे स्लो लगा, बाकी ओवरऑल मूवी बहुत इम्पैक्टफुल थी। पहले भी ये मूवी डिफरेंट लैंग्वेज में बन चुकी है, तो मलयालम में बनी है, मलयालम में बन चुकी है, तो हिंदी वर्जन कितना अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, बिकॉज ऑफ अजय सर, क्योंकि उन्होंने जिन्होंने 2015 की देखी है ना, तो वो वही मूवी और उसकी आगे की स्टोरी जानने के लिए पब्लिक को ये ले आएगी थिएटर तक। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन अभिषेक सर बहुत बहुत बढ़िया डायरेक्शन कर रहा है। मैं जो पिछली मूवी की मैं बात करूँ निशिकांत सर के, उनके साथ तो कंपेरिजन नहीं करूँगी, बट हाँ उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम करा है डायरेक्शन। 4/5 out of 5। थैंक यू। दृश्यम 2 आपने मूवी देखी, आपको ये मूवी कितनी पसंद है? मूवी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, जैसा कि हमने पार्ट 1 देखा था, सेम उससे पार्ट 2 है, सस्पेंस बहुत ज़्यादा है मूवी के अंदर, और देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, एडिटिंग काफ़ी अच्छे से की गई है, बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और मूवी देख के काफ़ी मज़ा आया। लास्ट में ये देखने को मिलता है इन द एंड में कि फैमिली इज़ एवरीथिंग, हमारे लिए फैमिली सब कुछ होती है, और फैमिली के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, तो लास्ट में एंडिंग काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये मूवी को दिखाया गया है, किया गया है, तो बहुत अच्छी लगी मूवी देखने के बाद। सबसे अच्छा किरदार किसका पसंद? सबसे अच्छा अजय देवगन का, अजय सर ने बहुत ही अच्छा किया, और अक्षय खन्ना ने भी काफ़ी अच्छा प्ले किया है रोल को, तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। और सबसे अच्छी बात इसमें प्लस पॉइंट रहा कि जो पहले के पार्ट में पब्लिक थे, मीन्स जो पहले ने रोल कैरेक्टर रोल किया है, सेम पार्ट 2 में आए, तो वो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती कि ये किस चीज़ का रोल कर रहा है, ये कौन से रोल कर रहे हैं,
क्लियर हो जाता है, अपना माइंड सेट हो जाता है कि ये पार्ट वन में थे, फिर वो पिछला सब याद आता है कि ये थे और पार्ट टू में भी सेम वही है, तो वो सबसे अच्छा लगा कि फैमिली वैमिली सब सेम थी, तो ज़्यादा मज़ा आया देखने में। मुझे ऐसी मूवी बहुत पसंद आती है। ये मूवी पहले मलयालम में भी बन चुकी है, आपने वो देखा? नहीं नहीं, मलयालम में देखा। फिर क्या लगता है लोग पार्ट थ्री का भी क्रेज करेंगे? हाँ, करना तो चाहिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। सस्पेंस बहुत ज़्यादा था मूवी के अंदर, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। लास्ट में एंडिंग में मैंने सोचा कि वो पकड़े जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हैप्पी एंडिंग हुई। तो आप लोग से भी अपील करूँगी, आप लोग भी जाओ मूवी देखो, मूवी बहुत ही अच्छी है, 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगी, पैसा वसूल मूवी है। म्यूज़िक की अगर बात करें तो म्यूज़िक कितना अट्रैक्टिव? म्यूज़िक भी अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे बहुत पसंद आया, मीन्स जिस तरीके से दिखाया गया उसका बैकग्राउंड म्यूजिक काफ़ी अच्छी लगी, और म्यूज़िक ज़्यादा था नहीं, सॉन्ग एक ही था लास्ट में। 5 स्टार देना चाहूँगी, बहुत 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 मज़ा आया, आप लोग भी जाकर देखो, आपको भी मज़ा आएगा बहुत। थैंक यू, वेलकम। आपने मूवी देखी है, आपको ये मूवी कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी जी, और आज तक मैंने किसी फिल्म के बारे में ऑडियंस से नहीं कहा कि आप जाइए और मूवी देखिए, लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर कहूँगी कि एक पारिवारिक फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अडल्ट सीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि एक्चुअल में पारिवारिक फिल्म क्या होती है, इसमें आपको फील होगा इस चीज़ को, तो आप ज़रूर एटलीस्ट इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देखें। इस फिल्म में बहुत से अलग अलग किरदार है, किसका किरदार बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था? अक्षय सर का, अजय देवगन सर का, तबू मैम का, सभी अपने जगह पे बेहतरीन एक्टर है और सबने एक्टिंग बहुत ही अच्छी से की, इसलिए मैं किसी को किसी से कंपेयर नहीं करूँगी, सब ने अपना 100% दिया है। साथ ही फिल्म को पहले भी मलयालम लैंग्वेज में बनाया गया है, क्या आपने देखा है? नहीं, मुझे तो एक्चुअली अभी पता चल रहा है कि किसी मलयालम फिल्म का रीमेक है, लेकिन इतना मैं 100% श्योर हूँ कि मलयालम फिल्म तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन इससे अच्छी तो नहीं होंगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगी। म्यूज़िक की अगर बात की जाए, म्यूज़िक कितना अट्रैक्ट करता है सभी लोगों को? म्यूज़िक को मैं 0.5 कम दूंगी, एक्चुअली 5 में से मैं 4.5 रेटिंग दे रही हूँ इस मूवी को, 5.05 म्यूज़िक की वजह से, क्योंकि कहीं थोड़ा सा मुझे लिटिल बिट कम लगा म्यूज़िक, अदरवाइज ओवरऑल गुड। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कितना पसंद है? बहुत अच्छा है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया है कि आप क्या बताना चाहते हैं वो डायरेक्शन से ही हमें फील होता है, तो डायरेक्शन बहुत अच्छा है। फिर सभी ऑडियंस के लिए क्या मैसेज होगा, ये मूवी देखनी चाहिए? ऑफकोर्स देखनी चाहिए, और विद फैमिली देखनी चाहिए, तो आपको रियलाइज़ होगा कि फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है और हेड ऑफ द फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। 4.5। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पार्ट वन मैंने देखी थी, जो निशिकांत कामत ने डायरेक्ट की थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, बट पार्ट टू में अभिषेक पाठक ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। पहला पार्ट थोड़ा सा स्लो पेस्ड है, बट सेकेंड पार्ट बहुत ही इंट्रीगिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरटेनिंग है और बहुत ही इंजॉयबल है, क्योंकि उसमें अक्षय खन्ना आते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो मॉम पिक्चर के फ्लैशेस आ गए, मॉम पिक्चर में भी वही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक वो वैसे रोल्स के लिए ही बने हैं, तो वो उनका फोर्टे है आई गेस। मूवी में सबके परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छे हैं, बीच अजय देवगन, टब्बू जो अपने बेटे के लिए, सारे टब्बू, अजय देवगन एज ऑलवेज, यू नो ही इज़ यू नो लेफ्ट अ मार्क इन इज़ रोल। श्रिया सरन उनकी वाइफ का बहुत अच्छा रोल है, इशिता दत्ता उनकी बेटी का रोल बहुत अच्छा है, और म्यूज़िक अच्छा है देवी श्री प्रसाद का, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है सुधीर चौधरी की, और उसके साथ एडिटिंग बिल्कुल क्रिस्प है, 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म में कहीं भी स्ट्रेच नहीं किया, तो संदीप फ्रांसिस की एडिटिंग बहुत अच्छी है, और जैसे मैंने कहा कि डायरेक्शन बहुत अच्छा है, तो ओवरऑल इट्स एन आउट एंड आउट कमर्शियल मसाला मूवी, फैमिली एंटरटेनर है, बहुत इंजॉय करेंगे आप। पहले भी मूवी मलयालम में बन चुकी है, क्या लगता है हिंदी वर्जन कितना ऑडियंस को? आई थिंक हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, तो पैन इंडिया में हिंदी चलती है, बट वो मूवी के भी बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए एंड बेस्ड ऑन दैट, सो बट पार्ट वन यू नो देख के हमें लगा था कि अभी पार्ट टू में क्या होगा, और ट्रेलर देख के बहुत ही ये लगा था, और वो इट हैज़ लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। दे आर लविंग इट, यू नो जिस तरह का अंदर रिस्पॉन्स था फर्स्ट डे इन फर्स्ट एंड सेकेंड शो, सो मेनी पीपल टर्नड अप, सो पीपल आर लविंग इट, और बहुत टाइम के बाद एक अच्छी बॉलीवुड मूवी आई है, तो मैं सबको बोलूंगा कि प्लीज वॉच दिस मूवी, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। आई गिव 4 स्टार्स, सिर्फ सम पोर्शंस आर लिटिल बिट स्ट्रेच्ड एंड स्लो पेस्ड, अदरवाइज 4 स्टार्स।